वेलकम बैक इन माई चैनल एंजल एक्सप्लोर, जहां मैं आपको जयपुर घुमाने वाली हूं। आप जयपुर फ्लाइट बाय ट्रेन, बाय कार या बाय बसेस आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पे दो दिन में मैंने इतनी जगह कवर की थी फ्रेंड, कैसे क्या बजट है आपको ये सारी नॉलेज मेरे वीडियो से मिलेगी फ्रेंड्स। तो आप लास्ट तक देखिए और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ बाई ट्रेन, जो कि मैं अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ गई थी और मैं स्टेशन 8:30 PM अप्रॉक्स में पहुंच गई थी। और फिर मैंने मेट्रो इन होटल बुक किया, तो जो स्टेशन के आधा किलोमीटर की दूरी पे ही था। और आप भी ऐसा ही होटल लीजिए जो स्टेशन और बस स्टैंड के पास हो, जैसे रेडिएशन हुआ। आप और बजट में जाना चाहते हो तो गाइज आप हॉस्टल ले सकते हैं, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी और मेरा 2 डे का 1000 रुपीज़ फ्रेंड्स लगा था। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ गाइज नेक्स्ट डे 7:30 AM से। मैं निकल चुकी थी हवा महल के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हवा महल की ओपनिंग टाइम 9:30 AM है गाइज, तो इसलिए मैं बाहर का ही नज़ारा देख पाई थी। बट मैं आमेर आने के बाद मैं इनर का भी पार्ट मैंने देखा, जैसा कि आप देख रहे हो गाइज बहुत अमेजिंग है। हवा महल का खासियत क्या है कि इसे सवाई प्रताप सिंह 1799 में बनाया था। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, 953 बहुत ही अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल छोटी छोटी जालीदार विंडो है जिन्हें झरोखा कहते हैं, और ये रेड और पिंक स्टोन से बना है और ये टोटल 5 फ्लोर का है फ्रेंड्स। टोटली बहुत ही अच्छा है और इसके चार्ज लगते हैं। जितने भी गवर्नमेंट फोर्ट है उसके 25 to 50 के बिटवीन में चार्ज है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन इसके लिए आपको स्टूडेंट कार्ड दिखाना होगा। और जो प्राइवेट हैं वहाँ पे चार्जेस 100 तक भी लग सकते हैं आपके, ये आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। और हाँ गाइज, आप ओला और लोकल में से एक चीज़ प्रेफर कर लो कि किसके रेट कम है। ओला का भी कभी क्या है कि मैं अक्सर अपनी जर्नी ओला से ही की थी फ्रेंड। मेरी नेक्स्ट जर्नी जंतर मंतर की थी, वो भी 9:30 से ओपन था। इससे पहले मैं इस स्टॉल पे रुकी थी, आप यहाँ पे मैगी और चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम रेट में था, 40 में आपको फुल प्लेट मैगी काफ़ी अच्छा था। तो फ्रेंड्स अब हम आपको जंतर मंतर ले चल रहे हैं दिखाने, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है जो राजा सवाई प्रताप सिंह के थ्रू 1734 में कंप्लीट किया गया था। माना जाता है कि इसमें प्लैनेट की पोजीशन बताए जाते हैं, कौन से स्टार किस पोजीशन पे किस मौसम पे है ये बताता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल है गाइस। तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ की एंट्री फीस फ्री है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा था फ्रेंड्स। तो अब हम आपको ले कर चलते हैं जल महल। फ्रेंड ये जल महल जो है मानसागर झील के बीच में स्थित है। ये इसे 300 साल पहले आमेर के महाराज ने बनाया था। आप जैसे कि देख रहे हो काफ़ी अच्छा इसका व्यू है। मैं आपको फ़ोटो भी अपना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोटो देखने के बाद आपको और भी मन करेगा। ये बाहर की ही पिक मैंने ली है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं नौगढ़ जयगढ़ आमेर। तो फ्रेंड अब हम नाहरगढ़ चल रहे हैं, जो कि हम फ्रेंड्स लोग ऑटो से गए थे, जिसका 400 रुपीज़ चार्ज लिया था जयगढ़ तक के छोड़ने का। और ये आपको नाहरगढ़ में 1 घंटे का टाइम अप्रॉक्स देगा रुकने के लिए, बट हम लोग 1.5 से 1.5 घंटे रुक गए थे। आप नाहरगढ़ पे जाएंगे तो मेन पर्पज़ क्या है कि आप सिटी मीन्स बर्ड व्यू देखेंगे। आप मतलब एक पूरे मतलब उस जगह से आपको पूरी सिटीज़ दिखेगी और ये काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं अपने
वीडियो में आपको दिखाऊंगी बर्ड व्यू कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको, पूरी सिटी यू नो एक नज़र में दिखेगी। मैं यहाँ पे रात में भी गई थी, आज मैंने जस्ट रात में, अभी तो मैं दिन में यहाँ पहुँची हुई हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। तो आप देखिए कैसा मीन सिटी हमारा दिखता है। ये देखिए जो बीच में है वो जल महल है, और आप इतने फुट ऊपर से आपको पूरी सिटी दिखेगी, और रात में इसकी व्यू तो और भी अमेजिंग है फ्रेंड्स। गाइस आप नाहरगढ़ के अलावा वैक्स म्यूज़ियम और शीश महल भी देख सकते हैं। ये प्राइवेट ऑथराइज के थ्रू होता है जिसके चार्जेस 1000 रुपीज़ है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया क्योंकि मेरे पास इतने टाइम भी नहीं थे। बट आप देखना चाह रहे हो तो आप ज़रूर देखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा है, बट इसके चार्ज अलग से लगेंगे आपको। ये देखिए नाहरगढ़ फोर्ट का मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बाहर से मैंने ये पिक्स ली हुई थी। ये इसके गेट हैं और ये काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, आप जाइए नाहरगढ़ में, आप विजिट कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड अब हम आपको जयगढ़ ले चल रहे हैं। जयगढ़ स्पेशली फेमस है लार्जेस्ट कैनन, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैनन यहाँ पे है जिसे आप देख सकते हो, मीन्स कह सकते हो तोप, आई होप जो सबसे बड़ा तोप यहीं पे है जिसकी मैं आपको फ़ोटो शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली जयगढ़ इसीलिए फेमस है, तो मैं आपको चलिए जयगढ़ का तोप भी दिखाती हूँ। गाइस अब हम जयगढ़ से आमेर जाएंगे, जो कि रास्ता उसी के थ्रू होकर जाता है, जो 1 किलोमीटर नीचे ही आमेर है। मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ। आमेर को राजा मानसिंह ने बनवाया था। ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि इसका आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मशहूर है, और मेन शीश महल के लिए भी आमेर जाना जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे वीडियो के थ्रू, आप आमेर भी देखिए। गाइस मुझे यहाँ पे कोई एंट्री फीस मेरी नहीं लगी थी, आपको मैं बता दे रही हूँ कोई भी एंट्री फीस नहीं लगी थी। लेकिन आप जब भी विजिट करने की कोशिश करो तो आप स्टार्टिंग हमेशा नौगढ़ से ही करना, नौगढ़ फिर जयगढ़ फिर आमेर, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा मेरे ओपिनियन से, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये वहाँ का गार्डन है, आप देखिए बहुत अच्छे से मेनटेन किए हुए हैं, बहुत ही अच्छी व्यू है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स आमेर में ही आपको अम्ब्रेला और वहाँ की टोपी मिलेगी जिसे आप फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट मैं राजमंदिर थिएटर ले चल रही हूँ, जो कि वर्ल्ड के थर्ड मोस्ट इंजॉयबल थिएटर में से एक है। मैं आपको इसका इंटीरियर व्यूज़ दिखाऊंगी। ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये इसकी लार्ज साइज़ के लिए, ऑपुलेंट और मेरिंग डिज़ाइंस के लिए, इंटीरियर्स के लिए जाना जाता है। ये काफ़ी अच्छा, इसकी प्राइस भी रिजनेबल है, जैसे आप अपने ये थिएटर में देखते हो 100, 200, 300 मीन्स नहीं अप्रॉक्स मैक्स, मतलब मिनिमम 150 से स्टार्ट है 300 तक। आप इसकी भी सिल्वर गोल्ड डायमंड ये टाइप के हैं आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे भी जाइए। मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 6 PM पे ही मूवी स्टार्ट हो गया था और 9 PM तक ये मूवी फिनिश हो गया था, आप देख रहे हो।
फ्रेंड्स, मूवी देखने के बाद हमने फिर से कार बुक किया था, 1200 लिया था 2 घंटे इंग्लिश 2 आवर्स के लिए। मुझे नाइट व्यू ऑफ नाहरगढ़ देखना था, मेरा बहुत ही मन था। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो, तो फ्रेंड मेरी पहली मतलब फर्स्ट डे की जर्नी 7:30 से स्टार्ट होता है और 11:30 तक मीन्स अप्रॉक्स 12 तो बजे जाता है और ये फेरी फिनिश होती है। आप इसके बीच में फूड लंच करते रहिए, डिनर भी आपको करते ही रहना पड़ेगा। तो अब मैं आपको अपनी सेकेंड डे की जर्नी स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट जर्नी खाटू श्याम जी के लिए था। हम लोग अपने होटल से 7:30 पे निकल चुके थे और फिर हम लोग सिंधी कैंप पहुंच गए थे बस स्टॉपेज पे। वहाँ पे हम लोग 8:30 पे बस ले लिया था जो कि 10:30 तक हमें पहुंचा दिया था और हम लोग खाटू श्याम जी का दर्शन करके 12 बजे से पहले ही फ्री हो गए थे क्योंकि 12 बजे कपाट बंद हो जाता है, फिर 4 बजे ओपनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने इतने टाइमिंग पे दर्शन कर लिया था और फिर उसके बाद हमने लंच भी किया और यहाँ पे बहुत अच्छा वेज, प्योर वेज रेस्टोरेंट है और चार्जेस भी बहुत ही नॉर्मल है जैसे कि आप देख रहे हो। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग अल्बर्ट हॉल पहुँचे, मीन्स हम लोग सिंधी कैंप वापस 2:30 तक पहुँच गए थे। फिर हम लोग 3 बजे अल्बर्ट हॉल पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी एनर्जी लेकर घूमना होगा अगर आपको इतनी सारी व्यू 2 दिन के अंदर विजिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट हॉल हम लोग 3 PM तक पहुंच गए थे। इसके भी 50 रुपीज़ पर हेड चार्ज है। फ्रेंड्स, ये म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर जाइए। पहली बात तो ये म्यूज़ियम पूरी AC है, हाँ कितनी भी गर्मी हो अंदर जाने के बाद आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। और ये काफ़ी नॉलेजेबल म्यूज़ियम है, आप जाइए, बहुत कुछ है इसमें। मम्मी है, 2600 पुराना है इसमें, आप बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए इसमें। एंशियंट चीज़ें बहुत है, मीन्स कि एलिफेंट के तीत के बनाए हुए चीज़ें, बहुत पुराने पुराने ज्वेलरीज, मीन्स ये काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, आप ज़रूर जाइए इसको विज़िट करने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, तो मुझे अल्बर्ट हॉल 3 से 5 PM मुझे लग गया था मुझे घूमने में। अल्बर्ट हॉल मीन्स 1.5-2 घंटे तो आपको लग जाएंगे पूरे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग गए थे बिरला मंदिर, बिरला टेम्पल। तो फ्रेंड्स, बिरला टेम्पल जाने से पहले मैं आपको अल्बर्ट हॉल की कुछ पिक्स दिखाने चाहूँगी। ये देखिए, ये पूरे स्टैचूज कॉइन्स मीन्स पुराने समय का है, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं ये आकृति बिरला टेम्पल की, और बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छी यहाँ पे हैं, ज्वेलरी आप देख सकते हो, और ये बहुत पुराने समय का है। इसे बहुत, ये आकृति जो बनी है ये तीत की बनी है, एलिफेंट तीत की, और जिस मम्मी के मैंने बात किया था आप ये भी देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 2600 पहले की है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं बिरला टेम्पल, हमारा टाइमिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम बिरला टेम्पल पहुंच गए हैं। यहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बाहर का ही व्यू दिखा पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं बिरला टेम्पल मीन्स की पूरा देखने के बाद मैं 6:30 तक फ्री हो गई थी। इसके बाद मैं अपने होटल गई जहाँ पे मैं 1 आवर रेस्ट की 7:30 तक। इसके बाद मैं फिर हवा महल के लिए नाइट व्यू देखने के लिए निकल गई थी। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो हम निकल चुके हैं 7:30 पे नाइट व्यू ऑफ हवा महल देखने के लिए। इस व्यू का आप मज़ा लेने के लिए आपको विंड कैफ़े जाना होगा जिसका प्राइस एवरेज ही है। आप यहाँ पे जाइए, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, यू नो पूरी व्यू आपको दिखेगी, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, तो ये मेरी लास्ट ट्रिप मीन्स मेरी लास्ट डे की ये लास्ट विज़िट थी और ये विंड कैफ़े है, आप जाइए, प्राइस बहुत ही सही है फ्रेंड्स यहाँ पे, और आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मैं
क्या चीज़ें नहीं देख पाई थी फ्रेंड्स, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आप एक वन डे एक्स्ट्रा रुकते हैं वहाँ पे, तो आप सिटी पैलेस ज़रूर देखिएगा। चौकी धानी मेरा रह गया था देखना, और एक पत्रिका गेट है जिसे मैंने बाहर से ही विज़िट किया था, वो भी मैं नहीं देख पाई थी फ्रेंड्स।